काफ़ी अवाम है, लेडीज़ का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तेलंगाना जन समिति ज्वाइन करने के लिए, और यंग यूथ है इसमें, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, काफ़ी लोगों ने आज आपके सामने देखा है कि वो लोग ज्वाइन करे हैं। और टीजे तेलंगाना जन समिति ऐसी पार्टी है विच विल बिकम ऑल्टरनेट टू टीआरएस, क्यों, वो तो टीआरएस जो प्रोमिसज करी थी आज तक वो फुलफिल नहीं हुए, ऐसे कई नौजवान एजिटेटर्स जो सेक्रीफाइस करे अपने लाइफ्स को, वो लोग को जो है सो उनका जस्टिस नहीं मिला, वो लोग को उन्होंने वायदा किया था, केसीआर ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था कि वो लोग को 10-10 लाख रुपए देंगे, उनके फैमिली को गवर्नमेंट जॉब देंगे, उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, उनको एग्रीकल्चर लैंड देंगे, लेकिन वो कर नहीं सका। अब आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना साथ अपना विकास चल रहा है वहाँ पर, इसलिए जो सो ये पार्टी फॉर्म हुई है, ये तेलंगाना की असल पार्टी यही है और तेलंगाना की असल पार्टी यही रहेंगी फ्यूचर में, क्यों बोले तो तेलंगाना जन समिति का मूवमेंट ऐसा है कि आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सो पब्लिक का फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, और हमारे प्रोफेसर साहब के इतने सैक्रिफाइसेस है कि आपको बता नहीं सकता मैं। प्रोफेसर साहब ने तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी वजह से पूरा स्वयं सिटी एक ज़माने में आग लग जाती थी, पूरा बंद कर देते किसके लिए, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ तेलंगाना, और तेलंगाना जब मिल गया ये केसीआर अपने चीप पॉलिटिकल ट्रिक्स की वजह से वो अपनी सियासत चलाना चाहता है। आप देखिए 100 साल हुआ कांग्रेस पार्टी बन के, लेकिन वो कांग्रेस जो काम नहीं करी ये 4 साल में कर दिया, खुद सीएम है, बेटी एमपी है, बेटा मिनिस्टर है, भतीजा मिनिस्टर है, भांजा राज्यसभा एमपी है, पूरी फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है, गांधी का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, अगर देखा गया तो गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड लिखा जा सकता है कि ऐसी 6-6 आदमी मिलकर एक फैमिली के एक हुकूमत कर रहे हैं, ये बहुत चीप ट्रिक्स है, इनके चीप पॉलिटिक्स है, और यहाँ की जनता इसको कबूल नहीं करेंगी। इंशाल्लाह ताला आने वाले हालात में तेलंगाना जन समिति यहाँ पर हुकूमत बनाएंगी और गरीब लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइंस में जो है उन लोगों के लिए बहुत काम करेंगी। जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहेगा फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। बीजेपी छोड़ने का वो तो देर वॉज नो इंटरनल डेमोक्रेसी नाइदर एक्सटर्नल डेमोक्रेसी, वॉट एवर द मीटिंग्स हैपनिंग इट वॉज वेरी सीक्रेटली केप्ट, सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू बी सीक्रेट इन पॉलिटिक्स, इट शुड बी विद इन द पब्लिक बिकॉज पॉलिटिक्स इज विद द पब्लिक, पॉलिटिक्स ये एक बिजनेस नहीं है कि छुपके मीटिंग कर लिए कमरों में जो है सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और आसिफिया को जो है सो इनजस्टिस मिली, इंसाफ नहीं मिला, वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे जहन पे था वो चीज़ को, जो माइनॉरिटीज़ और दलित सेफ नहीं है हिंदुस्तान में फिल वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट में, ये सोचकर मैं काफ़ी सोच समझ कर जो है सो एक सेक्युलर जमात ज्वाइन किया, और इसमें जमात ज्वाइन करने में हमारे प्रोफेसर विश्वेश्वर राव साहब, बदरुद्दीन साहब और काफ़ी मेरे सीनियर लोग थे पॉलिटिक्स के, वो लोग मेरे को इनक्रेज करे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज टीजीएस मेरा ज़िंदगी का सही फैसला हुआ कि दिस इज़ द ओनली सेक्युलर पार्टी इन इंडिया एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह ताला। हमारा पुराना शहर में काम शुरू हुआ, उनके बहुत सारे साथी में शामिल हो गए, इससे थोड़ा हम भी और सब मिलकर हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हम जब पार्टी बनाए तो बहुत सोच समझ कर, इससे पहले हम गैर सियासी जमात में काम किए थे, जॉइंट एक्शन कमेटी में काम किए थे, 3-4 साल काम करने के बाद हम ये नतीजे पे आए कि जब तक हम गैर सियासी जमात में काम करते हैं तो सियासत में बदलाव नहीं ले आ सकते, जब तक सियासत नहीं बदलते तब तक तेलंगाना की भलाई नहीं हो सकता, आवाम की भलाई नहीं हो सकता, तेलंगाना का तरक्की भी नहीं हो सकता। तो हमने ये फैसला किए कि हम सियासत में आएंगे तो एक पार्टी भी बनाएंगे, हम हमारी तरीके से काम करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स कोई बिजनेस बन गया है इस अभी तो, पैसा खर्च करते हैं, जीतने के बाद पैसा कमाने के लिए कोशिश करते हैं, हम ये चाहते हैं पॉलिटिक्स एक सर्विस है, किसी की सेवा करने का मौका है, आवाम के लिए काम करना चाहिए। अब तो शहर में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग घर चाहते हैं, काम करने के लिए एक मदद चाहते हैं सरकार से, बेरोज़गार सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो ये सारी रोज़गार दिलाने के लिए भी सरकार काम करना चाहिए, और ये सारी चीज़ हासिल करने के लिए काम होना चाहिए, और जितने भी सर्विसेज है, जितने भी सिविक कम्युनिटीज है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, पानी का इंतज़ाम सही नहीं है, और इसी तरीके से बिजली का सही तरीके से पहुंचता भी नहीं, तो ये सारी
मुश्किलों को हल करने के लिए हम काम करेंगे, हम आवाम के लिए काम करेंगे, आवाम से मिलकर काम करेंगे, आवाम की भलाई के लिए सरकार की तरफ से उस काम करा ये सत्ता इस्तेमाल करने का कोशिश भी करेंगे। ये हमारा एक तरीके से अगर बताएंगे तो एक हम पूरा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज बदलना चाहिए और जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलता वो आज की तरीके से उसमें बहुत सारे गलतियां हैं उसको मिटाना चाहते हैं। एक नई तरीके से पॉलिटिक्स एक सेवा बनना चाहिए, वो काम वो बदलाव लाने का कोशिश में हम तेलंगाना जनसमिति को बनाए। हम सारे लोगों की मदद चाहते हैं, आवाम की मदद चाहते हैं और ताकि हम ये बदलाव सही तरीके से हम ले आ सकें। आज ज्वाइन करें आप 200 आदमी हर सारे डेमोक्रेटिक सेक्युलर फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत सारे काम हम करते रहे और आगे भी करेंगे, लेकिन इलेक्शन एलायंसेस के बारे में इन पार्टीज के साथ हम सोचा नहीं। हम अब तक हमारा फैसला है आगे करेंगे, अकेले ही करेंगे काम, तो ये है हमारा फैसला। आज जो है 100-150 था, 200 तक लोग आज इस पार्टी में आए, कुछ लोग अभी इम्पोर्टेंट लीडर्स का ज्वाइनिंग हुआ और लंच के बाद दूसरे लोगों को इसमें हम इनवाइट करेंगे, मिलेंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे।